नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज द्वारा विरचित यह रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ है, जिसमें भगवान वर्धमान स्वामी को नमस्कार करने के बाद मैं समीचीन धर्म को कहूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा की गई थी। समीचीन धर्म वह है जो संसार के दुखों से जीवों को उठाकर उत्तम सुख में रख देता है और जिससे कर्म का नाश होता है। ऐसे उस समीचीन धर्म की क्या परिभाषा है, वो आज आपको बताया जाना है। समीचीन माने सम्यक, सही। तो उस समीचीन धर्म की जो परिभाषा है वह भी लिखी गई है, आज कारिका नंबर 3 पढ़ना है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः। पढ़ें एक बार। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि भव पद्धति यह। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः। विदु का मतलब होता है कहते हैं। कौन कहते हैं? जो धर्मेश्वर हैं, यानी धर्म के ईश्वर हैं, धर्म के स्वामी हैं, नायक हैं, वह धर्म की परिभाषा क्या करते हैं? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, ये धर्म की परिभाषा है। सदृष्टि का मतलब दृष्टि, माने आप लोग क्या समझते हैं? देखना, यही समझते हैं ना। लेकिन जहाँ कहीं आपको जैन दर्शन में सम्यक दर्शन की बात कही जाएगी, तो वहाँ पर आपको दर्शन का मतलब देखना नहीं समझना। दर्शन माने होता है श्रद्धा करना। क्या करना? हाँ, विश्वास पैदा करना। तो सदृष्टि कहो या सम्यक दर्शन कहो, ये एक ही शब्द है। तो सम्यक दर्शन का मतलब हुआ समीचीन रूप से श्रद्धा उत्पन्न करना। सुन रहे हैं? दर्शन माने क्या होता है? सामान्य से लौकिकता में रूढ़ी शब्द दर्शन का क्या चला रहा है? देखना। हर कोई जानता है दर्शन माने देखना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष रूप से जो शब्द का अर्थ बताया जा रहा है वो ध्यान रखना होगा। तो यहाँ दर्शन का मतलब देखना कम है, दर्शन का मतलब है यहाँ श्रद्धान करना, आस्था, है ना। यद्यपि हम उसमें भी देखेंगे, लेकिन एक तो बिना आस्था के देखना और एक आस्था के साथ देखना, इसमें बड़ा फर्क हो जाता है। तो सम्यक दर्शन का मतलब है समीचीन श्रद्धा होना, जिसे हम बोलते हैं राइट फेथ। सबसे पहले ये जरूरी है। तो जब ये सम्यक दर्शन होगा तभी ज्ञान भी सम्यक ज्ञान बन जाता है। यानी नॉलेज हमारी राइट तभी होती है जब हमारा फेथ राइट हो, है ना, आस्था हमारी सही जगह पर हो, तो हमारा ज्ञान भी सम्यक बन जाता है। इसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और तीसरी चीज क्या हुई?
व्रत बोलते हैं चारित्र को, है ना। सद्दृष्टि ज्ञान व्रतानी, तीन चीजें लिखी है ना। सत माने सम्यक, दृष्टि माने श्रद्धा, ज्ञान माने ज्ञान, और व्रत माने चारित्र। तो सत शब्द को तीनों के साथ जोड़ना है, सत दृष्टि, सत ज्ञान, सत चारित्र, है ना। जब हम सत शब्द को इन तीनों के साथ जोड़ देते हैं तो वह सत दृष्टि कहलाती है। सम्यक दर्शन को क्या बोलेंगे? सत दृष्टि। सम्यक ज्ञान को क्या बोलेंगे? सत ज्ञान, है ना। और सम्यक चारित्र को क्या बोलेंगे? सत चारित्र, सत। तो सत शब्द अपने आप में बड़ा विशिष्ट है, जो सम्यक का प्रतीक है, राइट का प्रतीक है। तो सम्यक दर्शन के साथ में ही सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान के साथ ही सम्यक चारित्र होगा। यदि सम्यक दर्शन नहीं है और ज्ञान और चारित्र हैं, तो भी वह ज्ञान चारित्र कोई काम के नहीं होते हैं। यह क्रम है, इसलिए सबसे पहला महत्व है सम्यक दर्शन का, फिर सम्यक ज्ञान का, और फिर सम्यक चारित्र का। तो तीन चीज़ें हो गई हमारे सामने। अगर हम इसको अपनी व्यवहारिकता में उपयोग में लाने के लिए अगर हम सोचें, तो हम इसको इस रूप से समझ सकते हैं कि हमें पहले किसी भी पदार्थ पर आस्था रखनी होती है। सम्यक दर्शन का मतलब क्या हो गया? आस्था, विश्वास करना होता है। उसके बाद में हम उसका ज्ञान लेते हैं, और उसके बाद में हम फिर उसी के अनुसार अपनी क्रियाओं को करते हैं, ये सम्यक चारित्र हो गया। यदि आप कोई भी साइंस की भी नॉलेज लेते हो, तो पहले आपको ये विश्वास जम चुका होता है कि साइंस से हमको ये फायदा मिलेगा। मान लो आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने की भावना रखते हो, तो आपको पहले विश्वास आ चुका होता है कि ये कंप्यूटर साइंस पढ़ने से हम ऐसे कंप्यूटर के इंजीनियर बन जाएंगे, है ना। ये कंप्यूटर साइंस से हमारा कैरियर बनेगा, हमको अच्छी जॉब मिलेगी। तो ये सब क्या है? पहले ये आपका विश्वास है, समझ आ रहा है। धर्म में भी वही चीज काम आती है जो चीज हम अपनी व्यवहारिकता में उपयोग में लाते हैं। हमें पता नहीं होता है, लेकिन हम काम उसी तरीके से कर रहे होते हैं, समझ आ रहा है। बिना श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया के तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। वही चीज हमको धर्म में सिखाई जाती है। धर्म मुख्य रूप से अपने लिए हो जाता है, आत्मा के लिए हो जाता है, और जो हम करते हैं वो सब बाहर के लिए करते हैं, लेकिन फैक्टर यही तीनों रहते हैं, श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया, चारित्र, समझ आ रहा। तो जब हम कोई भी अपना कैरियर आगे बढ़ाने की सोचते हैं, हम कुछ आगे अच्छा बनने की सोचते हैं, तो भी हमें सबसे पहले क्या? विश्वास पैदा करो कि हम जिस लाइन पर चल रहे हैं वो लाइन सही है। करना पड़ता है कि नहीं? देख लो उस लाइन पर कितने लोग जा चुके हैं, कितने लोग उस स्ट्रीम को अटेंड कर चुके हैं। तो हम उससे क्या पैदा करते हैं? अपने अंदर एक विश्वास पैदा करते हैं। इसी का नाम क्या है? सम्यक दर्शन, समझ आ रहा है। लेकिन ये आपके लिए सम्यक दर्शन इसलिए नहीं है क्योंकि आपके विश्वास का ऑब्जेक्ट जो है वो अलग है, वो आपको केवल अपने जीवन चलाने के लिए है, समझ आ रहा है। जब इसका ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो जाएगा, है ना, मोक्ष मार्ग के लायक जो ऑब्जेक्ट होंगे, वो ऑब्जेक्ट पर अगर आपका विश्वास हो जाएगा तो आपके अंदर सम्यक दर्शन कहलाएगा। लेकिन श्रद्धा तो हम करते ही हैं, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों का पालन तो हम हर समय पर करते ही रहते हैं। आप अगर कुछ भी खाते हो तो देखो आप उसमें तीनों की चीजें होती हैं, सोच के भी देखो कैसे होती है, श्रद्धान, ज्ञान और क्रिया, तीनों चीजें होती है कि नहीं?
आपने मान लो कोई अच्छी चीज़ खाने के लिए अपना मन बनाया, तो आपका पहले श्रद्धा होती है, उस चीज़ पर विश्वास होता है, क्या होता है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, समझ आ रहा है। अगर इसको छोड़ दिया तब तो फिर खाने का सारा मज़ा ही चला जाएगा। कितना बड़ा विश्वास होता है बच्चों को, कौन सी वुड, पोटैटो, चिली पोटैटो, अच्छा समझ आ रहा है। तो अब देखो कितना बड़ा विश्वास है ना। बच्चा कहता है मैं चाउमीन छोड़ सकता हूँ, मोमोज छोड़ सकता हूँ, लेकिन चिली पोटैटो नहीं छोड़ सकता, समझ आ रहा है। तो ये उसके अंदर का विश्वास है ना, माने वो अलग मैटर है कि गलत है या सही है, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं हम कुछ भी करते हैं इन्हीं तीन चीज़ों के साथ करते हैं। तो हम विश्वास जमा लेते हैं हर चीज़ पर, ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है, समझ आ रहा है। फिर उसी ज्ञान के साथ हम जीते हैं कि ये चीज़ हमको कैसे मिलेगी, ये चीज़ में क्या क्या और अच्छा हो सकता है, कौन कौन सी इसकी वैरायटी हैं, ये सब हमारा ज्ञान हो जाता है ना। और फिर हम उसकी जब क्रिया करते हैं, कैसे बनाना है, कैसे उसका टेस्ट लेना है, कैसे खाना है, और खाते हैं जब क्रिया करते हैं, मुँह चलता है ना, क्रिया हो रही है ना, तब उसका टेस्ट आता है। तीनों चीज़ें हो गई, खाने का आनंद तभी आएगा, भोजन का आनंद तभी आएगा जब आप श्रद्धा भी रख रहे हो, ज्ञान से भी काम कर रहे हो और क्रिया भी कर रहे हो, समझ में आ रहा है। ये तो कॉमन है। अब ये मान के चलो यदि आपको कभी कोई रोग हो गया उसी चीज़ को खाने से, क्या हो गया, हाँ कोई आपको बीमारी हो गई, अब आप गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने अब आपसे कहा कि अब आपको ये वाली औषधि लेना है, ये मेडिसिन लेना है आपको, समझ आ रहा है। अब आप क्या करोगे, वहां पर भी उस औषधि को लेने के लिए भी आपके साथ तीनों चीजें काम करेंगी। कौन सी तीनों चीजें, अगर आपका उस दवा के ऊपर विश्वास नहीं होगा, समझ आ रहा है, तो आप उसकी सही अपने अंदर जानकारी नहीं रखोगे, और सही अगर आपके अंदर उस दवा की जानकारी नहीं आई तो आप उसकी खाने की भी इच्छा नहीं करोगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो डॉक्टर दे रहा है वो बिल्कुल सही है, इसी का नाम क्या है, विश्वास। विश्वास हो गया, फिर आप जानकारी लोगे, डॉक्टर साहब कब लेना, कितने टाइम लेना, कितने दिन तक लेना, इसके साथ क्या नहीं लेना, क्या और लेना, ये सब क्या हो गया, ज्ञान। ये ज्ञान कब आया, पहले आपके अंदर ये विश्वास आ जाए कि ये जो दे रहा है वो सही दे रहा है, हम इसको लेंगे, उसके बाद में आप उसके अराउंड जो कुछ भी नॉलेज होगी वो आप उसको पकड़ोगे, ठीक है ना। और फिर आपने दवाई ले ली, डॉक्टर साहब ने कहा दिन में 3 बार है ना, एक एक पुड़िया लेना है, सो आपने डिब्बे में से उठाई एक एक पुड़िया, अपनी जेब में रख ली 3 बार, क्या किया, 3 बार आपने डिब्बे में से निकाल के पुड़िया अपनी जेब में रख ली, पुड़िया लेना है, क्या करना है, पुड़िया लेने का मतलब क्या होता है, ये तो अंडरस्टूड है ना, क्या करना था उसको, जेब में लेना था कि मुंह में लेना था, समझ आ रहा है। तो मुंह में ली जाएगी तो ये कहलाई क्रिया है ना, तो वो क्रिया जब होगी तभी आपके लिए वो दवा फायदा करेगी, समझ आ रहा है। अब देखो दो चीजें हैं, एक चीज तो वो है कि जो आपको चिली पोटैटो और जो चाउमीन खाते खाते कोई ना कोई डिजीज हो गई है ना, ये भी हुई उसी श्रद्धा ज्ञान और क्रिया से। फिर जब आपको औषधि दी गई उसमें भी यही चीज काम कर रही, श्रद्धा ज्ञान और क्रिया, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है कि नहीं है, क्या समझ आ रहा है कि नहीं, क्या है, जो आपके लिए रोग हो गया वो रोग को दूर करने के लिए जो आपको औषधि दी जा रही है वह औषधि
जो आप खा रहे हो उसमें भी श्रद्धा ज्ञान और क्रिया जुड़ी हुई है, लेकिन वह श्रद्धा ज्ञान क्रिया सम्यक कहलाएगी क्योंकि उससे आपका रोग दूर हो रहा है। सुन रहे हो? और जिसको खाने से आपको रोग हो रहा है वो श्रद्धा ज्ञान की क्रिया आपकी मिथ्या कहलाएगी क्योंकि उससे आपका रोग बढ़ रहा है। और एक बार अगर आपका रोग बढ़ने लग गया तो फिर वो बढ़ता रहेगा जब तक कि आप औषधि न लो, अच्छे वैद्य से आपका परामर्श न हो। सुन रहे हो? अच्छे तरीके से आपका डायग्नोस न हो, क्या होगा? रोग बढ़ता रहेगा। सुन रहे हो? बस इस श्लोक में यही दो चीजें बताई गई हैं। ऊपर क्या लिखा है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक क्रिया का नाम ही सम्यक चारित्र है, ठीक है ना? ये हो गया धर्म। फिर क्या कहा जा रहा नीचे? तदीय प्रत्यनीकानि, उसके जो प्रत्यनीक माने विपरीत है, उसके जो उल्टा है, भवन्ति भव पद्धति, वो क्या है? वो संसार की पद्धति है। समझ में आया? एक संसार की पद्धति है और एक मुक्ति की पद्धति है, दो चीजें हैं। संसार की पद्धति से तो हम परिचय ले ही रहे हैं, परिचित हैं। संसार की पद्धति मोक्ष की पद्धति से विपरीत है और मोक्ष की पद्धति संसार की पद्धति से विपरीत है। सुन रहे हो ना? वो बिल्कुल वैसे ही है। जैसे रोग हुआ है तो रोग होने के बाद में जो दवा दी जाएगी वो फिर वो नहीं दी जाएगी जिसको खाने से आपको रोग हो रहा है। दवा अलग चीज होगी और जिसको खाने से रोग हो रहा है वो अलग चीज होगी। सुन रहे हैं ना? ऐसे ही जब हमें संसारिक सुख, संसार ही संसार दिखाई देता है, संसार का ही मार्ग दिखाई देता है, तो फिर हमारे सामने जो भी श्रद्धा ज्ञान और क्रियाएं होती हैं वो सब हमारी मिथ्या होती है जो संसार के लिए की जा रही हैं। और जब वही क्रियाएं जब मोक्ष के लिए की जाएं तो वही श्रद्धा ज्ञान की क्रियाएं हमारे लिए सम्यक हो जाएंगी। हम कर किसके लिए रहे? मोक्ष के लिए। माने जो संसार का रोग हमको लग गया है इस रोग को दूर करने के लिए। समझ में आ रहा है? अपने अंदर भी रोग लगा हुआ है। जो हम चाउमीन चिली पोटैटो नहीं छोड़ पा रहे हैं ये कौन सा रोग है? इसको बोलते हैं राग रोग। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, नाम याद रख लो। इस रोग का नाम क्या है? राग रोग। किसका रोग है ये? हाँ, मतलब इतना राग हो जाता है हमें किसी भी चीज से कि वो चीज हमारे लिए रोग भी पैदा कर दे तो भी हमें अच्छी लगती है। अरे पहले तो खा लो, जब होएगा तो देखा जाएगा। तो इसको क्या बोलते? राग रोग। ध्यान रहेगा, ये किसका कारण है? ये हमारे भव पद्धति, भव पद्धति माने संसार की परंपरा को बढ़ाता रहता है, माने संसार इससे बढ़ता रहता है, राग बढ़ता रहेगा। आज ये चीजें आई हैं, कल दूसरी चीजें आएंगी। कोई भी कंट्री में किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाने की कमी तो है नहीं है। समझ आ रहा? चाहे वो चाइना हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी हो, प्रोडक्ट बनते रहेंगे। हमारा राग उनसे बढ़ता रहेगा और वह राग का रोग अपने आप इस तरह से संसार में हमारे लिए सुख दुख देने का कारण बना रहेगा। तो ये कह रहा है राग रोग। अब इस रोग को दूर करना हो तो क्या करना पड़ता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। माने सही चीज पे श्रद्धा करो, सही चीज की ज्ञान लो और सही क्रिया करो तो बस आपका ये राग रोग दूर होने लग जाएगा। सुन रहे हो? ऐसे ही बताया जा, इसी का नाम धर्म है।
धर्म का मतलब क्या हो गया? जो हम संसार के बढ़ाने के लिए कर रहे हैं उससे अगर हम विपरीत करेंगे तो वही हमारे लिए धर्म हो गया। क्योंकि संसार को बढ़ाने का नाम धर्म नहीं है। धर्म किसके लिए है? उत्तम सुख में जो संसार से उठा के रख दे। सुन रहे हो? हाँ, ऐसी मतलब एकदम से आपको हाई जैक मशीन होती है ना ऐसे, तो वो आपको जैक लगाएगी तो वो क्या करेगा, आप जा रहे थे इधर, वो आपको रोक करके ऊपर पहुंचा देगी। इधर नहीं जाना, कहां जाना? ऊपर चलना है। तो वो आपको जब ऊपर पहुंचने की स्थिति बनेगी तो वो धर्म के ही माध्यम से बनेगी, और वो धर्म का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आ रही बात समझ में? क्या समझ में आ गया? संसार की पद्धति का नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ठीक है ना, हमें समझते रहना है। अब ये मिथ्या दर्शन क्या होता है? अब देखो, एक में से एक जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही है ना। कल हम सोच रहे थे धर्म क्या होता है, अब धर्म आज बता दिया। सम्यक दर्शन होता है सबसे पहला, तो अब से सम्यक दर्शन क्या होता है, तो आप थोड़ा वेट करो, ये भी पता पड़ेगा आपको सम्यक दर्शन क्या होता है। समझ आ रहा है? लेकिन ये हमें क्यों बताया जा रहा है, तो वो पहले जो हमारा उद्देश्य है उसको ध्यान में रखना। उत्तम सुख अगर चाहिए तो सम्यक दर्शन को अंगीकार करना, और अगर उत्तम सुख नहीं चाहिए तो फिर तुमको जो मिल रहा है खाने पीने का सुख ये मिलता रहेगा, इसी में संतुष्ट हो, तो कोई जरूरत ही नहीं तुम्हारे लिए। सुन रहे हो? तो क्या करना है? उत्तम सुख चाहिए तो ये छोटे मोटे सुख तो छोड़ने पड़ेंगे। अब तुम चाउमीन का और चिली पोटैटो का भी सुख ना छोड़ पाओ तो फिर उत्तम सुख कैसे प्राप्त होगा? तो ये अपने लिए अगर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा तो फिर हमें लगेगा कि अरे इन चीजों में कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। तो सबसे पहली चीज समझने की क्या है हमारे लिए? सम्यक दर्शन। अब वो सम्यक दर्शन क्या होता है हम आपको अपने शब्दों में बताएं, उससे अच्छा है कि आप आगे के इस श्लोक को पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि सम्यक दर्शन क्या होता है ना। पढ़ो आगे। श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागम तपोव्रतां त्रिमूढापोडमष्टांग त्रिमूढापोडमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम् सम्यक दर्शनमस्मयम्। पढ़ो फिर से। माप्तागम तपोव्रतम् त्रिमूढापोडमष्टांगम्। हाँ देखो कितना व्यवस्थित ढंग से समझ आ रहा है ना। जैसे आप लोग अपना मोबाइल चलाते हो ना, पहले मोबाइल को ओपन करना, फिर जो है उसको क्लिक करना, फिर उसमें कौन सी साइट पे पहुंचना, फिर उसमें से क्या निकालना, ऐसे एक एक बढ़ते चले जाओ ना, एक एक करके, ऐसे ही है ना। पहले भगवान को नमस्कार करना, फिर उनसे है ना उसी सुख को प्राप्त करने की भावना करना, फिर उस सुख की प्राप्ति के लिए धर्म कहना, फिर धर्म के लिए भी धर्म की परिभाषा बताना, फिर सम्यक दर्शन नाम आ गया तो आप सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात करना। क्या है श्रद्धानम? सबसे पहली चीज क्या है? सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? अब समझ में आ गया? जब भी कभी आपको सम्यक दर्शन शब्द सुनने में आए क्या समझोगे? श्रद्धा। सही चीज पे श्रद्धा करना। अब वो सही चीजें होती क्या है?
कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर अगर हम राइट फेथ अपना रखें तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन होगा, हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। क्या होगा, सुनते हो ना, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, इन शब्दों में क्या अंतर है? मिथ्या दर्शन जिसके पास में हो उस जीव को कहा जाता है मिथ्या दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि ऐसा बोलेंगे तो वो जीव को इंडिकेट कर रहा है ना। मिथ्या दर्शन बोलेंगे तो उस जीव का वह भाव हो गया जो मिथ्यात्व के रूप में है। सम्यक दर्शन बोला तो सम्यक दर्शन उसका भाव हो गया जो सही भाव है, सही श्रद्धा का भाव है, वो क्या कहलाया, सम्यक दर्शन। और सम्यक दृष्टि बोला तो उस भाव वाला वो जीव हो गया, सम्यक दृष्टि जीव। सुन रहे हो ना, करोड़ रुपए और करोड़पति कुछ अंतर है क्या है? करोड़ रुपए तो हाँ, करोड़ रुपया हो गया, और वो करोड़ रुपया जिसके पास में हो वो करोड़पति हो गया। समझ में आ गया? तो वो जो करोड़ रुपया है वो उसका क्या हो गया, उसका भाव हो गया, ये करोड़ रुपया मेरे पास में है इसलिए मैं करोड़पति हूं। ऐसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि सीख लो। छोटी छोटी चीजों में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। सम्यक दर्शन जिसके पास में है वो कहलाएगा सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दर्शन क्या हो गया, तो करोड़ रुपए की तरह हो गया। और सम्यक दृष्टि क्या मतलब, जो उसका स्वामी है, जो उसका मालिक है, वो कहलाया सम्यक दृष्टि। आ गया समझ में? तो सम्यक दर्शन अपना भाव हो गया, और उस भाव को करने वाला जो मेरा आत्मा है उस आत्मा के लिए कहा जाएगा ये आत्मा सम्यक दृष्टि है। ऐसे ही मिथ्यात्व के साथ जानना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टि। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहली चीज क्या है, श्रद्धा करो। अब श्रद्धा तो हम सब पे कर रहे हैं, खाने पीने पे भी श्रद्धा हो रही है, आपने महाराज बता ही दिया है ना। अपने जो भी हम अपने कैरियर के लिए जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई करते हैं उस पर भी हमारी श्रद्धा है। सब काम में श्रद्धा तो सबके साथ ही होती, बिना श्रद्धा के तो हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाते। अपनी कार में भी बैठते हैं और कार को स्टार्ट भी करते हैं तो हमें श्रद्धा होती है कि भाई ये चलेगी, और इतनी श्रद्धा होती है कि इसका पहिया रास्ते में कहीं निकलेगा नहीं समझ आ रहा, इसका ब्रेक फेल कहीं होगा नहीं, तभी तो हम उसमें स्पीड दे देते हैं खुली सड़क पर। कितनी श्रद्धा है अपने अंदर, तो बिना श्रद्धा के तो कहीं कुछ। तो फिर सम्यक श्रद्धा क्या चीज है, समझ आ रहा है? वो इस श्लोक में बताया गया है। जो आपको इन दुनियादारी की चीजों में श्रद्धा है वो श्रद्धा से काम नहीं है। श्रद्धा का ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए जो यहां कहा गया है, परमार्थानाम आप्त आगम तपो व्रताम। तीन चीजें बताएंगे, सुन रहे हो? There are only three objects. किसके लिए? For right faith. हमें अपना right faith किस पर रखना है? तीन चीजों पर, आप्त आगम और तपोव्रत। इनको आपकी भाषा में कहें आप्त माने होता है भगवान, है ना, आप्त माने भगवान, ईश्वर, देव, जो कुछ भी कह सको। आगम माने शास्त्र, और तपोव्रत माने तपस्वी, गुरु इत्यादि। ये तीनों चीजें कैसी होनी चाहिए? परमार्थ भूत, एक शब्द जोड़ा गया है परमार्थानाम। क्या बोला? माने परमार्थ रूप होनी चाहिए। एक होती है चीज लौकिक अर्थ के रूप में, और एक होती है चीज परमार्थ के रूप में। तो परमार्थ का मतलब होता है जो परम अर्थ है ना,
अर्थ माने होता है पदार्थ, परम पदार्थ। परम पदार्थ का मतलब उत्कृष्ट पदार्थ, उत्कृष्ट पदार्थ का मतलब आत्म तत्व, शुद्ध आत्म तत्व। वह उत्कृष्ट आत्म तत्व से जो जुड़े हुए देव हैं वही हमारे लिए परमार्थभूत आपते हैं। उनके द्वारा बताया हुआ जो शास्त्र है वही हमारे लिए परमार्थभूत आगम है, और उसी उत्कृष्ट आत्म तत्व के लिए जो साधना करते हैं वही हमारे लिए परमार्थभूत गुरु हैं। ये तीन चीजें हैं। क्या उनसी तीन चीजें हैं? परमार्थ आप्त, बोलो, परमार्थ आगम और परमार्थ तपोव्रत। सिंपल सी भाषा में देव शास्त्र गुरु, रोजाना करते हो ना पूजन, देव शास्त्र गुरु है ना। ये कैसे होने चाहिए? परमार्थभूत होने चाहिए, माने ये उत्कृष्ट आत्म तत्व से जुड़े हुए होने चाहिए। समझ में आ गया? अगर ये है तब तो आपके लिए किया गया श्रद्धान इनके ऊपर आपको अंदर सम्यक दर्शन देगा। और अगर आपने परमार्थ को छोड़ करके जो लौकिक हैं, संसारी हैं, उन पे अगर आपने श्रद्धान ज्ञान और क्रिया की तो वो आपके लिए कभी सम्यक दर्शन का कारण नहीं होगा। आ गई बात समझ में? तो सम्यक दर्शन का संबंध किससे है? देव शास्त्र गुरु। देव कैसे? देव का मतलब सांसारिक देव देवता नहीं, परमार्थभूत। सम्यक दर्शन किससे बनेगा? लौकिक देवों से नहीं। लौकिक माने जो लोक में जो प्रसिद्ध हैं वो लौकिक कहलाते हैं। हाँ, तो श्रद्धा, परमार्थभूत, आप्त, आगम और गुरु पर जब हो जाती है तो वो हमारे लिए सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। ठीक है ना? अब इस श्रद्धा में कुछ चीजों की जानकारी रखना है कि वो श्रद्धा हमारी बिगड़े नहीं, इसलिए आपको नीचे वाली लाइनों में कुछ सावधानियां बताई गई हैं, है ना। त्रिमूढ़ा पूर्णम, क्या लिखा है? इसका मतलब होता है तीन मूढ़ताओं से रहित। किससे रहित? सम्यक दर्शन का मतलब हुआ तीन प्रकार की मूढ़ताएं होती हैं, माने हम किसी भी तरह के चमत्कार आदि को देख करके परमार्थ पर विश्वास कम लाएं और उस चमत्कार पर विश्वास ले आएं तो ये मूढ़ता कहलाती है। तो इससे बचना। ये तीन प्रकार की होती है ना, जो आगे बताई जाएगी, देव मूढ़ता, शास्त्र मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। इन तीनों के विषय में मूढ़ता भी होती है। क्या सुन रहे हो? अब मूढ़ता का मतलब क्या है कि हम जो सुनते आए हैं, देखते आए हैं, हम केवल उसी को सही मान रहे हैं, बाकी को हमें कुछ भी पता नहीं है, या हम जानना भी नहीं चाह रहे हैं, या हमें जानने में भी आ गया तो भी हम उसको सही नहीं मान रहे हैं। है ना? ये क्या कहलाया? मूढ़ता। समझ आ रहा है? इसका आगे आपको वर्णन मिलेगा, तीन प्रकार की मूढ़ताओं से रहित होना। फिर आठ अंगों का पालन करना, अष्टांग बोलते हैं इसको, त्रिमूढ़ा पूर्णम अष्टांगम, है ना। आठ अंगों का पालन करना, सम्यक दर्शन के आठ अंग हैं, ये भी आपको आगे समझाए जाएंगे, निशंकित आदि, ये आठ अंग होते हैं। सम्यक दर्शन मस्मयम, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, और इसमें एक अंत में शब्द अस्मयम। अस्मय का मतलब होता है इसमय से रहित। इसमय माने होता है मद। इसमय माने क्या होता है? मद, मद से रहित। आपको आठ प्रकार के मद बताए थे एक दिन मेरी भावना के टॉपिक में, है? वही आठ मदों का इसमें वर्णन आएगा, आठ मदों से रहित।
तो आपका जो विश्वास है वो सुरक्षित कब रहेगा? जब आपके पास में तीन प्रकार की मूढ़ताएं नहीं हो, सम्यक दर्शन के जो आठ अंग हैं उनका पालन किया जा रहा हो, और आठ प्रकार के जो मद हैं, अहंकार हैं, उनको आपने छोड़ रखा हो। सुन रहे हो? सुनाओ क्या क्या बोला। तीन मूढ़ताओं से रहित होना, आठ प्रकार के अंगों का पालन करना, और आठ प्रकार के मदों से रहित होना। समझ में आ गया? ध्यान ये रखना है क्या करना है और क्या छोड़ना है। करने के लिए कितनी चीजें हैं? आठ। कौन सी आठ? वो आठ अंग के रूप में है, है ना, जिन्हें आगे बताया जाएगा, निशंकित, निकांक्षित वगैरह, ये करने के लिए हैं। और छोड़ने के लिए कौन सी चीजें हैं? आठ मदों को छोड़ना और तीन प्रकार की मूढ़ताओं से बचना। समझ में आ रहा है? वह अगर आप अपने सम्यक विश्वास के साथ में करते रहे तो आपका सम्यक दर्शन बना रहेगा। अब ये सम्यक दर्शन जैसे ही आपके अंदर भावों में आता है तो ये चीजें उसको बिगाड़ देती हैं। जैसे हम कोई अच्छी चीज बनाते हैं तो उसको बिगाड़ने के लिए कोई ना कोई चीजें सामने आ जाती हैं, हमें उससे बचा के रखना पड़ता है। बचा के रखना पड़ता है कि नहीं? कोई अच्छा सा व्यंजन भी बन जाता है तो उस व्यंजन को भी हमें बचा के रखना पड़ता है, इसमें कहीं मक्खी ना गिर पड़े, चींटियां ना लग जाएं। समझ आ रहा है? तो आप ऐसे ही जब सम्यक दृष्टि होंगे, जब आपका विश्वास सही होने लगेगा, तो जब आप संसार में अनेक लोगों को देखेंगे और संसार में अनेक बातों को सुनेंगे तो आपके सामने मूढ़ताएं भी आने लग जाएंगी, और फिर उस मूढ़ताओं में अगर आपका थोड़ा भी विश्वास चला गया तो फिर आपका ये वाला जो सम्यक दर्शन से विश्वास बना था वो छूट जाएगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकेंगी। क्या सुन रहे हो? सही रहेगा तो सही रहेगा, गलत रहेगा तो, बस ये मान के चलो सही सही होता है और गलत गलत होता है। सुन रहे हो? ये बहुत अच्छा आपको नीति वाक्य बता रहा हूं। गलत को हम कितने ही तरीकों से सही करने की कोशिश करें वो गलत ही होगा, और सही को हम कितने ही तरीकों से गलत करने की कोशिश करें वह कभी गलत नहीं होगा। तो क्या सीखना है आपको? दोनों चीजों एक साथ हम अपने दिमाग में रख करके, दोनों तरह के विश्वास एक साथ दिमाग में रख करके हम चल नहीं सकते हैं। सही माने सही और गलत माने गलत। जो गलत है तो वो गलत है, सही है तो वो सही है। अब उस गलत को हम ये मान के चले, नहीं थोड़ा तो वो भी सही है, थोड़ा बड़ा कुछ नहीं होता है। जो गलत है वो थोड़ा भी गलत है तो वही पूरा गलत है। क्या सुन रहे हो? ये किस विषय में सीखना आपको? मूढ़ताओं के विषय में, है ना। मूढ़ताएं आगे बताई जाने वाली, मूढ़ताएं क्या होती हैं, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, शास्त्र मूर्ता आपको बताई जाएगी, है ना। तो एक उदाहरण के लिए सामान्य रूप से हम आपको सामान्य रूप से एक उदाहरण देकर के बता रहे हैं। मान लो कोई भी हम जिन्हें आदर्श मान रहे हैं, या कोई भी जो हमारे लिए बहुत, हम जिन्हें अपना पूज्य मान रहे हैं, भगवान की तरह मान रहे हैं, सुन रहे हो? अब आपको बताया गया कि वो बंदर हैं। क्या है? उनका मुख बंदर है, उनके पीछे पूंछ निकल रही है, वो बंदर है वो। सुन रहे हो? अब जब आपके सुनने में आ गया तो आपके अंदर तो विश्वास बन गया, क्योंकि हमने उसी चीज को टीवी पे देख लिया, उसी चीज की फोटो देखी, उसी चीज को सब लोग मान रहे हैं, वो क्या है, और सब उनको भगवान भी कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब आपको सोचना है कि क्या कोई बंदर इतना बड़ा काम कर सकता है? क्या कोई बंदर इतना भगवान जैसा बन सकता है? ये आपको सोचना है।
फिर आपको सोचने में आएगा, तब आपको कहीं ना कहीं समझने को मिलेगा कि बंदर क्यों कहा जा रहा है, वानर क्यों कहा जा रहा है। कहीं लोगों ने सुनते सुनते गलती तो नहीं कर ली कि उसका रूप ही बंदर बना दिया। नहीं समझ आ रहा? जैसे अभी तुम बहुत मस्ती कर रहे हो, मैंने कहा ए वानर, ये बंदर, माने बंदर की तरह ज्यादा चंचलता मत करो, सीधे बैठो, तो हमने तुमसे वानर कह दिया। समझ आ रहा है? अगर वानर कह दिया तो क्या तुम वानर हो गए? अब धीरे धीरे तुम्हारा नाम ही मान लो वानर हो गया, फिर लोग कहेंगे इसको वानर कहा जाता है तो इसकी पूंछ भी होगी, तो तुमने फिर पूंछ भी लगा दी, उसके मुंह भी उसका बंदर जैसा बना दिया, मास्क लगा दिया, बन गया बंदर वो। अब वो बंदर था क्या? समझ आ रहा है? तो हमें अपने विश्वास को सही बना करके रखना, कौन वानर है, कौन मनुष्य है, कौन भगवान है, कौन भगवान नहीं है, ये जब हमारे ज्ञान में सही विश्वास में आ जाएगा तो हमारे सम्यक दर्शन बना रहेगा। समझ आ रहा? इसको बोलते मूढ़ता। जो टीवी पर दिखाई जा रही है चीजें वो सब क्या है? हमको मूढ़ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। मूढ़ का ही दूसरा शब्द क्या है? मूर्ख बना दिया, भुलावे में डाल दिया। समझ आ रहा? तो जब हम इस तरह के भुलावे में पड़ जाएंगे तब फिर हम किसको भगवान कहें? इधर तो हम कहते हैं ये भगवान है, और उधर जाते हैं घर में टीवी देखते हैं तो ये कहते हैं ये भगवान है, अब किसको भगवान माने? समझ आ रहा? तो ये आपके अंदर अगर मूढ़ता पर विश्वास होगा तो फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये बहुत समझने की चीज है, इसी को आगे व्याख्यायित किया जाएगा एक एक चीज को, ठीक है ना? तो आज आप लोगों के लिए दो श्लोकों से यही सीखना है कि पहले तीसरे नंबर के श्लोक में हमने क्या सीखा? दो तरह के रास्ते हैं, एक संसार का और एक मुक्ति का, है ना? जो संसार का रास्ता है वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, और मुक्ति का रास्ता है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। फिर सम्यक दर्शन क्या होता है? तो परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु पर अपनी आस्था बनाए रखो, इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। आस्था ही सबसे बड़ी चीज है। जैसा आपका विश्वास होता है वैसे ही आप बन जाते हो। विश्वास से ही आपका ज्ञान काम करता है, और विश्वास से ही आपके शरीर में सब क्रियाएं होती हैं। इसलिए विश्वास सही जगह बनाओ। समझ आ रहा है? तो ये ढूंढो कि हमें अपना विश्वास सही जगह पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे अंदर मन का विश्वास सही जगह पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या अपने अपने मन से पूछो। अभी तक नहीं पता था, अब पता पड़ गया। मान लो अभी तक पता नहीं था कि चाउमीन में क्या होता है, है ना? अब किसी ने बता दिया, चाउ माने चाइना, मीन माने मछली, चाइना की मछली से जो बने उसका नाम है चाउमीन। अब क्या होगा? अब पता नहीं था तब तक तो चलो ठीक है, अब पता हो गया तो अब क्या करोगे? नहीं, हम फिर भी नहीं छोड़ सकते, अब ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आपको सम्यक दर्शन कभी नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? जानकारी किस लिए ली जाती है? अपने विश्वास को सही बनाने के लिए, है ना? तो जब हमारा विश्वास सही बन गया तो फिर हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहली चीज है सही जगह पर विश्वास बना लेना। तो अपने मन से पूछना, मेरे मन में भगवान कौन है, मैं किसको भगवान मानता हूं, और जिसको मानता हूं वो परमार्थ है कि नहीं, माने बिल्कुल सत्य है कि नहीं। परमार्थ का एक दूसरा नाम क्या है? सत्यार्थ, सत्य को बताने वाला है कि नहीं, या यथार्थ। यथार्थ का मतलब जैसा होता भगवान वैसा है कि नहीं। तो परमार्थ के तीन अर्थ हो गए। एक परमार्थ माने हो गया परम अर्थ, यानी उत्कृष्ट
आत्म तत्व को जानने वाला। एक परमार्थ माने हो गया सत्यार्थ, माने सत्य पदार्थ को बताने वाला, और एक परमार्थ का मतलब हो गया यथार्थ, यानी जैसा है उसको वैसा ही बताने वाला, गलत को गलत सही को सही। जिसका जैसा रूप होता है उसको जैसा हम जानेंगे सही विश्वास में लाएंगे तो वो कहलाएगा परमार्थ। आ गई बात समझ में? तो आपको भगवान भी जानना है, विश्वास में लाना है। कौन सा भगवान? जो कैसा होना चाहिए? परमार्थ से सहित होना चाहिए, परमार्थ रूप होना चाहिए, है ना। शास्त्र, उसी को शास्त्र मानना है जो कैसा होना चाहिए? परमार्थ की जानकारी देने वाला हो। और गुरु भी हमें मानना है, किसको मानना है? जो हमें परमार्थ की ओर ले चले। किसकी ओर ले चले? परमार्थ का मतलब मोक्ष की ओर ले चले, सत्य की ओर ले चले, मुक्ति की ओर ले चले, संसार से जो विपरीत मार्ग है उस मार्ग की ओर जो हमें ले चले उसका नाम है गुरु, परमार्थ गुरु। ठीक बात? तो आज आपने इतना सारा जान लिया, इसको अपने बुद्धि में रखो, इसका चिंतन करो, है ना। और इन दोनों श्लोकों को ढंग से इनका मनन करो, याद करो, और यही जो जानकारी है वो आपके लिए कल तक निरंतर चिंतन में बनी रहनी चाहिए। तब आपको आगे की बात और क्लियर होगी कि ये परमार्थ, भूत, आप्त, आगम और गुरु क्या होते हैं, इनकी भी डेफिनेशन आपको आगे अलग से बताई जाएगी। एक एक चीज की डेफिनेशन आगे मिलेगी, हर एक चीज आपको क्लियर होगी। समझ आ रहा है ना? तो ये हम आगे की क्लास में सीखेंगे। बोलो महावीर भगवान की।